नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों में उत्तर प्रदेश की भूमिका पर भाजपा में मंथन का दौर जारी है और कहीं ना कहीं दबे लफ्जों में अंतर कलह भी साफ साफ नजर आ रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाने की चर्चा भी आम हो गई थी, तो कहीं दोनों डिप्टी सीएम को हटाने की। इस बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बड़ा बयान सामने आया जो कि चर्चाओं में बना हुआ है, जो केवल अफवाहें हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और आने वाला 2027 का विधानसभा चुनाव भी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। ये मामला इस समय चर्चा में बना हुआ है। सी न्यूज भारत की टीम ने भी जनता की राय जानी कि आखिर जनता मुख्यमंत्री से कितना जुड़ाव रखती है। अगर देश के प्रधानमंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी होती तो आज देश की दुर्दशा नहीं होती। जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश। तहसीलों में चले जाइए, लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। थाने में चले जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जब दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं ना, अब इनका ऐसा समय आ चुका है, चाहे नरेंद्र मोदी की हो चाहे योगी की, इनकी उल्टी गिनतियाँ शुरू हो चुकी हैं। लेकिन छह बच्चे जिनके होंगे वही बीमार होगा, उसी को लाभ मिलेगा, ये कहाँ लिखा हुआ? एक से पाँच वाले नहीं पाएंगे, एक से छह वाले नहीं पाएंगे क्या? हरी शैली की बात, मैं इनके अपने मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को यहाँ रोते हुए देखता हूँ कि उनकी बात की सुनाई नहीं होती है तो आम जनता की क्या सुनाई होगी। हमको तो लगता है सरकार भारत की है ही नहीं है, ये अमेरिका, रूस, अमेरिका, जर्मनी वगैरह से चलाई जा रही है। पाकिस्तान की सरकारें बैठी हुई हैं भारत में। दो बच्चे ही अच्छे, दो ही बच्चे पैदा करना होगा और लाभ नहीं देंगे, और छह वालों का आयुष्मान काम का लाभ देंगे। लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद जो स्थिति बनी उसके बाद जो विपक्षी हैं उनको उत्साह मिला, तो यहाँ पक्ष में कहीं ना कहीं खींचतान शुरू हो गई, और खींचतान शुरू होने के साथ साथ बयानों का दौर शुरू हुआ, जहाँ एक तरफ विपक्ष पर लगातार सवाल उठाए जाते रहे हैं, पर यहाँ पर सत्ता पक्ष ही अब अपने आप में खींचतान मचाए हुए हैं, और यहाँ पर मुख्यमंत्री बदलने को लेकर और तमाम तरह की बातें भी सामने आती रही हैं। हालांकि भूपेंद्र सिंह चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनकी अपनी बात, उन्होंने अपना बयान दिया है कि मुख्यमंत्री नहीं बदले जाएंगे, ये केवल अफवाह है और ये गलत है, और आने वाला चुनाव भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। पर कार्यकाल कैसा है, जवाबदेही कैसी है और एज ए मुख्यमंत्री कैसे हैं, ये हम जनता जान लेते हैं कि जनता जनार्दन है, यही जनादेश देती है, यही कुर्सी पर ढालती है, यही कुर्सी से उतारती है। क्या बोलेंगे, खींचतान के बीच में बड़ा आदेश, बड़ी बात कि यही बने रहेंगे, केवल अफवाह है। देखिए, ये जितनी भी खींचतान चल रही है, ये महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से लोगों को ध्यान हटाने के लिए इस तरह का खींचतान चल रहा है। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कि जिससे जनता का ध्यान महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से हट जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी रोज कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश। तहसीलों में चले जाइए, लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। थाने में चले जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। केवल माननीय मुख्यमंत्री जी अखबारों में, बड़े बड़े मीडिया चैनलों पर ये बोलते हैं। इसी तरह से देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत, और उन्होंने क्या किया, स्वयं आरोप लगाए थे शुभेंदु अधिकारी, अजीत पवार, हेमंत बिश्व शर्मा कि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, इनको जेल में जाना चाहिए, इनको जेल में भेजूंगा, चक्की पिसवाऊंगा, चक्की पिसिंग, चक्की पिसिंग, चक्की पिसिंग, और उन्हें गले लगा लिए तो कैसे भ्रष्टाचार समाप्त करेंगी? मुद्दे पे आ जाइए, जो हमारा मुद्दा है भ्रष्टाचार की बात हो गई, अब हमारी बात कर लीजिए। हमारी बात ये है मुख्यमंत्री का कार्यकाल, मुख्यमंत्री कैसे हैं, क्योंकि यहाँ पर तमाम तरह की अफवाहें फैलती रही हैं, हालांकि यहाँ पर बात भी हो गई है, बने रहेंगे। जो प्रदेश अध्यक्ष जी बोल रहे हैं, देखिए कमान तो दिल्ली से चल रहा है, अब ये नीचे से बोल दिए अलग की बात है, मुख्यमंत्री बदलें या न बदलें, लेकिन मुख्यमंत्री जी की भी साख जनता में गिर रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो धरातल पुतल नहीं रहा। मुख्यमंत्री जी अभी दो दिन पहले कहे कि अगर जनप्रतिनिधि साथ के साथ अधिकारियों की शिकायत करेंगे तब कार्रवाई होगी, कैसे मुख्यमंत्री जी के जनप्रतिनिधि साथ कहां से लाएंगे, और उनके पदाधिकारी जो भाजपा के पदाधिकारी या कार्यकर्ता हैं उनकी न थाने में सुनवाई है न तहसील में सुनवाई है, कैसे साक्ष ले आएंगे, प्रस्तुत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास? उन्हें तो निर्देश देना चाहिए था कि जो वाजिब काम लेके कार्यकर्ता जाता है अधिकारी उसे तत्काल कर दें, उसमें हीला हवाली न करें, तब न होगा पालन। और यहाँ तो अधिकारी बेलगाम हैं, जो सही काम है वो भी नहीं कर रहे हैं,
तो इससे कार्यकर्ता भी नाराज है और जनता में जो है भ्रम की स्थिति पैदा हुई है। कार्यशैली से कहाँ संतुष्ट है, केवल माननीय मुख्यमंत्री जी एक लकीर खींचे हैं उसकी प्रशंसा हम करते हैं, कुछ गुंडों पर कुछ अपराधियों पर इन्होंने लगाम लगाया उसका हम लोग प्रशंसा करते हैं, स्वागत करते हैं और आने वाले मुख्यमंत्री जी से ये चाहते हैं कि जो भी आए इससे बड़ी लकीर खींचे, जो बचे हुए हैं 75 जिले में टॉप 10 अपराधी उनके घरों पे बुलडोजर कब चलेगा, उन्हें कब जेल भेजेंगे, उनकी संपत्ति कब जब्त करेंगे। मुख्यमंत्री को लेकर तमाम तरह के खींचतान हो रही है, क्या ये चलता रहेगा, ये इनके संस्कारों में है, ये जब दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं ना, अब इनका ऐसा समय आ चुका है, चाहे नरेंद्र मोदी की हो चाहे योगी की, इनकी उल्टी गिनतियाँ शुरू हो चुकी हैं। ये इन्होंने जो बोया था ये वही पा रहे हैं, जो दूसरी सरकारों के साथ इनका आचरण था वही आज इनके अपने ही घर में आग लगी हुई है और ये बहुत स्वाभाविक सा है कि अब वो बहुत ज़्यादा दिन तक मुख्यमंत्री का अपना खेला या कार्यशैली की बात करें, कार्यशैली कैसी है उत्तर मुख्यमंत्री कार्यशैली की? कार्यशैली 10 साल तक शिक्षा रोजगार स्वास्थ्य नौकरियां महंगाई सुरक्षा इस पर अगर कोई बात हुई हो तो हम कार्यशैली की बात करें। ये सिर्फ और सिर्फ देश में हिंदू मुस्लिम जिंदा पाकिस्तान बांटने का काम, मंदिर मस्जिद या किसी औरत को अपमानित करना या रेसलर्स को अपमानित करना, युवाओं को रोजगार ना देना, किसानों को सड़क पर मरने के लिए छोड़ देना, ये आम बात है। और कार्यशैली की बात, मैं इनके अपने मंत्रियों सांसदों और विधायकों को यहाँ रोते हुए देखता हूँ कि उनकी बात की सुनाई नहीं होती है तो आम जनता की क्या सुनाई होगी, ये जानने की बात। चलिए और लोग पूछ रहे थे क्या बोलेंगे, खींचतान चल रही है पर कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर हम कार्यशैली की बात करें कितना संतुष्ट? देखिए कार्यशैली जो है प्लानिंग में होती है, कार्यशैली जो है विधा में होती है। आज हम समझते हैं कि जो वर्तमान सिस्टम है सरकार का इसका तो कोई विधा ही नहीं, बुलडोजर किसी विधा संविधान के किसी अनुच्छेद में किसी मुख्यमंत्री को ये अधिकार नहीं दिया गया है कि आप किसी व्यक्ति के किसी बड़ा अपराधी का किसी आतंकवादी का सजा देना, घर ढालवाना, जेल भेजना ये न्यायालय का काम है, अपराध को सुनिश्चित करना ये सरकार का सिस्टम का काम है। तो यहाँ तो न्यायालय का कोई मतलब नहीं, जो सरकार चाहती है वो करती है, रह गया इस सरकार के सिस्टम की बात। तो मुख्यमंत्री जी खुद अपने सिस्टम के बारे में जानते हैं, अपने विधि के संचालन के बारे में जानते हैं, अपने क्रियाकलापों के बारे में जानते हैं, अपने प्लानिंग के बारे में जानते हैं। और उत्तर प्रदेश के भौगोलिक परिदृश्य का अगर निर्माण की हम बात करते हैं तो युवाओं को देख लीजिए, महिलाओं को देख लीजिए, बेरोजगारों को देख लीजिए, 5 किलो अनाज का हालात देख लीजिए, आप सुन रहे हैं कि 5,000 रुपया देने की बात है उसकी भी देख लीजिए कि अगर 5,000 रुपया वाली ये योजना चलाते हैं तो अभी तो 5 किलो में 80 करोड़ लोगों को लाइन में खड़ा किया, अब 5,000 वाले में कितने करोड़ लोगों को लाइन में खड़ा करके ये सरकार विश्व का रिकॉर्ड को स्थापित करेगी कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ 143 करोड़ में 110 करोड़ लोग सड़क पर 5,000 रुपया और 5 किलो अनाज लेने के लिए खड़ा है। ये विश्व का आने वाला कल में जो भारत का इतिहास होगा वो दोहराया जाएगा। एक सवाल मेरा आपसे निजी है, आप राशन लेते नहीं? लेते नहीं, हम राशन नहीं लेते साहब, 5 किलो राशन नहीं लेते हैं। खींचतान चल रही है, तमाम तरह की बातें चल रही हैं, मुख्यमंत्री को लेकर हटाने को और जोड़ने की बात हो रही है, पर कहीं ना कहीं अगर हम कार्यशैली की बात करें तो कितने संतुष्ट? कार्यशैली केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट के दोनों संतुष्ट लायक हैं ही नहीं। अभी तक मैं देखता था आयुष्मान भारत में परिवारों की संख्या का आकलन नहीं था, लेकिन भारत सरकार ने कहा आयुष्मान भारत की योजना को प्राप्त करने के लिए 6 व्यक्ति का होना अनिवार्य, न इससे ज़्यादा हो न इससे कम हो। जहां सरकार अरबों रुपए खर्च कर रही है जनसंख्या नियंत्रण पर और कहना चाह रही है कि हम जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लगाएंगे, वहीं पर 6 लोगों का परिवार होना क्यों बता रही है? तो ये कहाँ से संतुष्टि होने लायक है? क्या मुस्लिम और शेड्यूल कास्ट के वो लोग जो 5-6 बच्चे पैदा करते हैं वही उनका वोट पाने के लिए ये व्यवस्था की जा रही है? बाकी 1 से 5 वाले वोटर नहीं है भारत के क्या? ये सब देखने की ज़रूरत है कि क्यों किसी को खुश करना है, किसी को नाराज़ करना है।
ये हमको तो लगता है सरकार भारत की है ही नहीं है, ये अमेरिका रूस अमेरिका जर्मनी वगैरह से चलाई जा रही है, पाकिस्तान की सरकारें बैठी हुई हैं भारत पाकिस्तान को ले आए बीच में। हाँ बिल्कुल ले आएंगे, यानी राजनीति का आप भी कर रहे हैं। हम भी कह रहे हैं छह बच्चे किसके होंगे, आपके पास है छह बच्चे? बिल्कुल नहीं है। किस हिंदू को आप गिंडा लिया? अगर शेड्यूल कास्ट करने को, शेड्यूल कास्ट के जो गरीब लोग हैं, शेड्यूल कास्ट हमारे देश के नागरिक नहीं है। हैं हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन छह बच्चे जिनके होंगे वही बीमार होगा, उसी को लाभ मिलेगा? ये कहाँ लिखा हुआ? 105 वाले नहीं पाएंगे, 106 वाले नहीं पाएंगे क्या? नहीं मिलना चाहिए। पहले तो यही था ना, स्पेशली आपने क्यों लाया इस चीज को? आप लेकर के आते हैं, कहते हैं कि नहीं साहब हमें तीन तलाक भी चाहिए। आपको मुसलमान से नफरत भी है और तीन तलाक का भी मुद्दा आप उठाओगे, क्या मतलब है आपका इससे भाई? आपको क्या पता मुसलमान से नफरत है? हैं, वही कहते हैं, हम थोड़ी कहते हैं, आप बोल रहे हैं। कहते हैं हम तो हिंदुत्व वाले हैं, हिंदू कोड दो तो बोलते सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। आप बोल रहे हैं मुसलमान से नफरत? मैंने आपको कहा ना, इनके सवाल जवाब तो इसी तरीके के हैं। अच्छा, कि दो बच्चे ही अच्छे, दो ही बच्चे पैदा करना होगा और लाभ नहीं देंगे, और छह वालों का आयुष्मान काम का लाभ देंगे, वैसे ही योजनाएं हैं इनकी। पहले पाकिस्तान भी गए, फिलहाल बच्चों पे आए और फिलहाल हिंदू मुस्लिम की बात पे भी आ गए। फिलहाल वो बात यहाँ पर जरूरी है, वो बात है यहाँ पर कार्यशैली की, कैसे देखते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यशैली कैसे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है एक परिवार की पार्टी नहीं है। अच्छा। राष्ट्र की पार्टी है, है। एक वहाँ पार्लियामेंट वोट की कमेटी बनती है। हाँ। वहाँ सब लोग बैठते हैं और जो निर्णय लिया जाता है वही सबको मान्य होता है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी को सरकार चलानी है। हाँ। नड्डा जी को, भूपेंद्र चौधरी जी को, माननीय राजनाथ सिंह जी को। हाँ। समझू, बाकी एक बड़े जिम्मेदारी से हम आपके चैनल पर जरूर कहना चाहते हैं, अगर देश के प्रधानमंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी होती तो आज देश की दुर्दशा नहीं होती, क्योंकि राजनाथ सिंह जी जो है अटल बिहारी वाजपेयी के बाद दूसरा चेहरा है। केंद्र की बात नहीं कर रहा हूं, राज्य की बात कर रहा हूं, मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूं। तो मुख्यमंत्री की बात वो पार्टी का निर्णय है। हाँ। ये नहीं कि खाली मुलायम सिंह जी रहेंगे, मुलायम सिंह के बाद अखिलेश जी रहेंगे। हाँ। भारतीय जनता पार्टी में जो प्रमोशन करेगा, जो योगी माना जाएगा। संतुष्ट है मुख्यमंत्री की? लगातार सक्रिय बने रहते हैं, काम करते हैं। देखिए, हम सबसे हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अच्छा। हम लोग योगी जी के नहीं हैं। अच्छा। हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी को अपना नेता मानते हैं, जिन्होंने सऊदीया की रास्ता खुलवाई थी। समझो, ठीक है, क्या बोलेंगे? तमाम तरह की खींचतान चलती रहती है, पर चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपनी एक शैली है काम करने की, व्यवस्था है, तो उसमें क्या कहें? योगी जी तो बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि कोई आरोप नहीं लगे। कोई आरोप, ईमानदार, इतना ईमानदार कभी मुख्यमंत्री नहीं हुआ। खींचतान चल रही है, हटाने चलती रहेगी। वो हटेगा, वो उन्हें नहीं हटाना चाहिए। अच्छा, नहीं हटाना, हमारे साथ बाबा को नहीं हटाना है। बाबा बहुत नहीं बना रहे, बहुत अच्छे बाबा, ठीक है। योगी जी बहुत, क्या बोलेंगे? कार्यशैली चल रही है मुख्यमंत्री, कार्यशैली की कैसी बात करते हैं, कैसे रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में देखा जाए? भैया मुख्यमंत्री तो ठीक है, मुख्यमंत्री ठीक है। अच्छा, बोल रहा है कोई नहीं, काम नहीं करते? नहीं, काम तो ठीक है भाई, सब इतनी बड़ी आबादी, 26 करोड़ की उत्तर प्रदेश की आबादी है, तो 26 करोड़ को कोई खुश कर लेगा? सही बात है, संभालना मुश्किल है। खाली खाली इनके ऊपर, योगी आदित्यनाथ के ऊपर एक चीज़ की हमारे रिक्वेस्ट है कि ये खाली जातिवाद पे अंकुश लगाए, क्योंकि प्रधानमंत्री का अगला चेहरा इनका है, इसीलिए हर जात को खुश रखा। अगर कोई किसी जात के मुस्लिम के बारे में कोई बोलता है उस पर कानून लाना चाहिए, क्योंकि देश में आपको सारे मुसलमानों के मुताबिक प्रधानमंत्री अगले चेहरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है? योगी आदित्यनाथ ही हैं। अच्छा। और उसके अलावा कोई चेहरा ही नहीं है। तो सलाह आपकी क्या है? बहुत बड़ी सलाह हमारी यही है कि यही बनेंगे प्रधानमंत्री, यही प्रधानमंत्री बनेंगे दूसरी बात, देश के अंदर जो मुस्लिम हिंदू वाली बात है, इनको ये चीज़ पे कानून लाना चाहिए, कोई भी गलत बोलता है तो उस पर एक्शन लेना चाहिए। ठीक भाई, 7 साल योगी सरकार को हो चुका है, यहाँ फिलहाल खींचतान बनी हुई है, तमाम तरह की बातें आ रही हैं, हटाए जाएंगे, जोड़े जाएंगे, पर कहीं ना कहीं अगर हम शैली की बात करें, उनके कार्यकाल की बात करें, उनकी कार्यशैली की बात करें, कहाँ तक संतुष्ट? उत्तर प्रदेश में ना कोई हटाया जा रहा है ना कोई लाया जा रहा है। अच्छा। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो 7 वर्ष बीते, निरंतर 3 वर्ष और बीतने वाले हैं, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है जनता को। और जो दोनों डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, जो भारतीय जनता पार्टी की लगातार जो गतिविधियां चल रही हैं और जो सरकार की लगातार गतिविधियां चल रही हैं, वो शीर्ष नेतृत्व को वो लगातार अवगत कराते हैं। जो लोग लगातार अन्य पार्टी भ्रामक फैला रहे हैं कि केशव जी सीएम बन रहे हैं, ब्रजेश पाठक जी सीएम बन रहे हैं, ये सब गलत खबरें हैं। और जो शीर्ष नेतृत्व के दोनों डिप्टी सीएम हैं, ये अपने शीर्ष नेताओं को जो उत्तर प्रदेश में लगातार काम चल रहा है उससे अवगत कराते हैं और बताते हैं, और क्या होने वाला वो मार्गदर्शन भी वहाँ शीर्ष नेतृत्व से दोनों डिप्टी सीएम पा रहे हैं। बयानबाजी कहने की खींचतान नजर आ रही थी? कोई सरकार और संगठन में कोई खींचतान नहीं है, दोनों समन्वय बना के लगातार निरंतर उत्तर प्रदेश के विकास के लिए और उत्तर प्रदेश के लगातार विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रही, यही सोच के साथ दोनों डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। खींचतान चल रही है उत्तर प्रदेश में,
पर मुख्यमंत्री अगर योगी आदित्यनाथ की बात करें, कार्यशैली कैसी है, कहाँ तक आप बेहतर मानते हैं? सही है, उनका कार्यशैली तो अच्छा ही है। हाँ, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि नहीं हो सकता बदलना है, पर यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर कार्यशैली की बात करें, बहुत बेहतर कार्यशैली, अच्छा ही चल रहे हैं, कार्यशैली उनकी अच्छा ही है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत का है? दिक्कत कुछ नहीं है, बेहतर काम है, बेहतर काम कर रहे हैं। क्या बोलेंगे मोदी को? कोई नहीं, अरे मोदी कह रहे हैं, योगी जी को हटाने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं है ना? अच्छा। अरे बाबा का जलवा है पूरा। अच्छा, बाबा का जलवा है पूरा। जलवा है, कोई नहीं हटेगा। हाँ, बाबा काम अच्छा है। बाबा काम अच्छा है, काम अच्छा है। ठीक, क्या बोलेंगे दादा? अच्छा काम है भाई, योगी जी का अच्छा काम। ये बोला जलवा है? जलवा है ही है, जलवा है ही है, एकदम जलवा है। सुनने में आ रहा था खींचतान हो रही थी, कुछ नहीं, वो सब एक निगेटिव फैलाने की बात है। अच्छा, कुछ नहीं तो निगेटिव, विपक्षी को निगेटिव फैला रहा है। अच्छा, और कुछ है नहीं है, पक्का है स्थान? पक्का, पक्का स्थान है, स्थान पक्का है। यहाँ पर आए दिए, अब यहाँ पर एक साथी और खड़े हैं, गमछा डाले हैं, हालांकि कौन सी पार्टी पता नहीं है। अपना दल, अपना दल, बहुत बढ़िया, आप तो सहयोगी हैं, चलो आपकी राय भी ले लेते हो। क्या बोलेंगे भाई? बाबा को कोई खिसकाने वाला है? बाबा खिसकाने वाला कोई नहीं है, नहीं खिसकेंगे, नहीं खिसकेंगे, मजबूत है। चलिए, तो बाबा को खिसकाने वाला नहीं है, ना होगा ना आएगा, ना होगा ना आएगा। लीजिए, तो उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री को ना हटाने वाला कोई है और ना ही आएगा, और आने वाले संतुष्ट है आप? ना आएगा और ना नहीं आएगा। चलिए, बोलना बहुत कुछ चाहते हैं, पर शायद यहाँ पर उनके शब्द उनके साथ नहीं है, पर कहीं ना कहीं देखने वाली बात है कि हमने यहाँ पर लोगों से बातचीत की, उनकी राय ली, सबने अपनी अपनी राय दी है, किसी ने यहाँ पर कुछ मुद्दों पर अपनी बात कही है, किसी ने रोजगार की बात कही, किसी ने कहा नौकरी की बात कही, किसी ने अपनी बात कही है, पर कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर मुख्यमंत्री के पक्ष में हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर यहाँ लोगों की राय है वो ये है कि लोग कहते हैं उनकी कार्यशैली अच्छी है, पर गौर करने वाली बात पर आ रही है कि यहाँ लोगों की राय है कि मुख्यमंत्री बेहतर काम कर रहे हैं, ना वो हटे थे ना भी हटाए जाएंगे, और कोई इनको आने वाले समय में प्रधानमंत्री पद का चेहरा ही बता रहा है। खैर, आने वाला समय कितना होगा, कैसा होगा, और क्योंकि यहाँ पर 27 चुनाव भी हैं, 10 राज्य सीटों पे उपचुनाव भी हैं, उसका ही फैसला आएगा, उसका ही यहाँ पर परिणाम होगा, वो भी चुनाव यहाँ पर होंगे, और कहीं ना कहीं आने वाले समय में 27 और 29 को लेके भी रणनीति बनेगी। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये है कि जो व्यवस्था चल रही है उसके यहाँ पर फिलहाल जो माहौल है वो पक्ष में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली से लोग संतुष्ट हैं और फिलहाल उनके पक्ष में लगातार बोलते नजर आ रहे हैं। क्या पसंद दीपक के साथ गौरव श्रीवास्तव, सीनियर भारत, लखनऊ। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।